हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड ए। इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज एट वन ऑफ इट्स कॉर्नर, और ये फिगर दे रखा है चार्ज वाले तरह की, क्योंकि उसमें चार्ज कॉर्नर पर रखा है और इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है, वॉल्यूम इस पूरे क्यूब का वॉल्यूम कितना है, तो साइड का क्यूब ए क्यूब। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लूं कि मेरे पास एक बड़ा क्यूब है जिसकी साइड टू ए है, डबल है, जिसकी साइड टू ए है, डबल है, कुछ इस तरह से इसकी साइड टू है, तो इस क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ इस वाले क्यूब का वॉल्यूम, तो साइड का क्यूब कितना हो गया, एट का क्यूब। देखो तो इसका जिसकी साइड ए है उसका वॉल्यूम ए क्यू है, इसका डबल साइड कर लीजिए तो इसका वॉल्यूम एट क्यू है। तो बताओ इसमें कितने क्यूब आ सकते हैं, ऐसे छोटे क्यूब जिसका साइड ए है, कितने क्यूब आ सकते हैं इसके अंदर, तो आठ क्यूब आ सकते हैं। देखो इसका वॉल्यूम इससे एट टाइम्स है, तो इसके अंदर आठ क्यूब आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं, जरा चार नीचे और चार ऊपर बनाऊं, एक क्यूब बना दिए जिसकी साइड ए है, इस वाले की साइड ए है, ऐसे एक क्यूब बना दिया और चार्ज इस जगह पर रखा है ना, चार्ज इस जगह पर रखा है। तो आपसे इस वाले क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है ये पूछ रहा है। इसमें ऐसे कितने क्यूब आएंगे, आठ आएंगे, तो एक क्यूब ही आ गया, एक इसके बगल से आ जाएगा इस जगह पर, एक इस साइड से आ जाएगा, एक इस साइड से चार आ जाएंगे इस वाले फेस पर, नीचे चार क्यूब आ जाएंगे बेटा, एक ही आ गया, एक इसके बगल से, एक इधर, एक इधर, फिर चार इसके ऊपर आ जाएंगे, तो एट क्यूब से मिलकर बना है ये पूरा बड़ा क्यूब। अब इसे ऐसे इमेजिन करो कि ये बात समझ में आए कि ये बड़ा क्यूब में एट क्यूब से मिलकर बना होगा। तो अब लिखें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई टी थ्रू टू ए क्यूब, टू ए क्यूब मतलब जिसकी साइड टू ए है, और वो कितने क्यूब से मिलकर बनाए, एट क्यूब से मिलकर बनाए बेटा। तो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, चले जाओ क्यू इनसाइड ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इस टू ए साइड के इनसाइड ही तो क्यू चार्ज है। ये जो क्यू चार्ज है ये इस बड़े साइड क्यूब के इनसाइड है, आउटसाइड है, तो इनसाइड है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम टोटल फ्लक्स टू ए साइड से, दैट इज एट क्यूब से, तो लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट क्यूब से पास हो रहा होगा बेटा, दैट मीन्स बड़े क्यूब के छह फेस से पास हो रहा होगा, और ये जो बड़ा क्यूब है वो आठ क्यूब से मिलकर बना है, तो इसका मतलब ये आठ क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा होगा इतना, लेकिन निकालना एक क्यूब से है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू जिसका साइड ए है ए क्यूब, दैट मीन्स वन क्यूब से निकालना है, वन क्यूब, तो कितना हो जाएगा, आठ क्यूब से इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो एक क्यूब से कितना, क्यू ओवर एट एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए इसका आंसर होना गया बी, बी इज करेक्ट चॉइस। अच्छा ये तो समझ में आया, लेकिन अब इसमें इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हुआ वो तो पता पड़ गया, अगर कैर कॉर्नर पर रखा है चार्ज तो क्यू अपॉन एट एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर किसी इसके फेसेस से अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछता कि एक फेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है अगर चार्ज कॉर्नर पर रखा है, तो उसे करने के यहाँ पर दो तरीके हैं मेरे पास। पहला फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ आपको,
पहले तो आप ये समझो कि मेरे को इसके एक फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो ये 8 क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है, सॉरी 1 क्यूब से इतना फ्लक्स पास हो रहा है। अब इस क्यूब में, इस पर चर्चा कर लेते हैं, यहाँ रखा है इसके इस पूरे क्यूब से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, पूरे क्यूब से ये हो रहा है क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यूब से कितना, इस वाले क्यूब से कितना, क्यू ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये जो चार्ज है ना, इसके हर एक फेस से सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, हर फेस के लिए सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है ये चार्ज, हर एक फेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है, तो अनसिमेट्रिक है थोड़ा सा। तो क्या होगा, इससे इसके 6 फेस है बेटा, इसमें क्यूब में 6 फेस में से 3 फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिमेट्रिकली पास होगा और 3 से 0 होगा, इन 3 से 0 होगा और 3 से कितना होगा, 3 से पास होगा इतना फ्लक्स, इतना जो फ्लक्स पास हो रहा होगा क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, वो 3 फेस से पास हो रहा होगा, बताऊंगा क्यों भी, 3 फेस से 0 होगा। पहले तो समझो, अब मालूम कैसे पड़ेगी 3 से 0 होगा, तो जिस चार्ज ये जिस ये जो चार्ज है जिस फेस से मीट कर रहा होगा, जैसे इस वाले फेस से मीट कर रहा है और इस वाले फेस से भी मीट कर रहा है, इस कॉर्नर पर रखा है ना, और एक इसके पीछे वाले कॉर्नर पर, मतलब इस वाले फेस से मीट कर रहा होगा, जिनसे ये मीट कर रहा है उससे फ्लक्स जीरो होगा बेटा। तो इस वाले फेस से जिसे मैंने डार्क किया, इससे फ्लक्स जीरो होगा, इससे जीरो होगा और इस वाले से जीरो होगा। अब बचे कौन से 3, एक ये वाला बचा, एक ये वाला बचा और एक सामने वाला ये वाला फेस बचा बेटा, सामने वाला ये वाला, इसे तीसरा कह दिया। इन 3 से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 6 में से 6 फेस से इतना फ्लक्स पास हो रहा था, 6 में से 3 से 0 हुआ, बचे 3, तो 3 से कितना फ्लक्स, किसी एक से फेस, किसी भी एक फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 1 फेस। और कौन से 1 फेस समझ में आए, 1 फेस या 2 फेस या 3 फेस, इनमें से कितना फ्लक्स पास होगा, तो 6 में से 3 से पास हो रहा था, 3 का डिवाइड कर दो 24 एप्सिलॉन नॉट, 3 से तो 0 है ना, ये 6 फेस इतना, इसमें से 3 से 0, बचे 3, 3 से कितना इतना, तो किसी एक फेस से निकालेंगे तो क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। अब ये समझते हैं कि इन 3 से 0 क्यों, तो देखो जहां ये चार्ज रखा है, ये चार्ज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इसके प्लेन के पैरेलल होंगी, इस फेस के प्लेन के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और अगर प्लेन के पैरेलल है तो एरिया के डजन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ई ए कॉस थीटा लिखेंगे बेटा। तो जिस फेस से मीट कर रहा ना चार्ज, तो एक फेस इससे मीट कर रहा था, एक इससे कर रहा है, तो एक इससे कर रहा था, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी वो इसके प्लेन के पैरेलल होंगी, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके प्लेन के भी पैरेलल होंगी, ऐसी उस फेस के प्लेन के पैरेलल होंगी। आप सोचना, आप अपने रूम में खड़े हो जाना और एक कॉर्नर पर चार्ज रख लेना, और फिर सोचना कि जिस फेस से वो 3 चार्ज कॉर्नर मीट कर रहा है, 3 फेस मीट कर रहे होंगे, उन पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाना ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड उस प्लेन के पैरेलल आ रहा होगा जिससे वो फेस मीट कर रहा है, और पैरेलल आएगा तो एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा, एरिया की डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन के पैरेलल, तो ई और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री, ई ए कॉस्ट 90 डिग्री, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो जाएगा, इसलिए 3 फेस से 0 होगा, इसीलिए ये 3 फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना पास होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। एक ये फर्स्ट मेथड हो गया, लेकिन इसको एक तरीके से और कर सकता था, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक बात आपको बतानी पड़ेगी, ज़रा सुनिए, दोनों मेथड आने चाहिए आपको, ये सबसे बढ़िया तरीका था आपको जो मैंने अभी बता दिया, सेकेंड वाला मेथड और सुन लो, शायद आपको बहुत अच्छा लगे सेकेंड मेथड। देखो इलेक्ट्रिक टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
थ्रू, टू ए क्यू, टू ए क्यू, बड़े वाले क्यू की बात कर रहे हैं, उसके लिए ये चार्ज क्यू इनसाइड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बड़े क्यू के लिए चार्ज ये सेंटर पर आ गया, इसलिए सेंटर पर है तो सिमेट्रिकली है क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये बड़े क्यू के लिए सिमेट्रिकली चार्ज प्लेस्ड है, सारे फेस से बराबर दूरी है इसकी बड़े क्यू के लिए, तो इसके बड़े वाले फेस इस वाले फेस से, इसके एक फेस से निकालें बड़े वाले फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा बड़े क्यू के एक फेस से, और ये चार्ज देखो सेंटर प्लेस्ड है, तो इसके छह फेस से इसकी जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिकली इक्वल है, इसीलिए इसके इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ टू ए क्यू। देखो कौन से क्यू की बात कर रहा हूँ, वन टू ए क्यू की बात कर रहा हूँ, सोच के बताओ कितना होगा। इसके छह फेस हैं, छह में से इतना तो एक फेस से कितना, और वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है बेटा, कोई भी इसे फेस मीट नहीं कर रहा, कोई भी फेस मीट नहीं कर रहा, इसलिए किसी से भी जीरो नहीं होगा, चेक करना ठीक है। तो कितना लिख सकते हैं, 1/6 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये टू ए क्यू के एक फेस से आया बेटा, वन फेस से आया, लेकिन ये तो टू ए क्यू के फेस से आया, वन फेस से, दैट मीन्स इस वाले से आया, लेकिन मेरे को छोटे के इस वाले फेस से निकालना है, इस वाले फेस से निकालना है छोटे के इससे। तो सोच के बताओ ये वाला जो एरिया है उसके कंपेयरिंग ये वाला एरिया कितना है, 1/4 होगा, क्योंकि तो नीचे चार क्यूब रखे हैं बेटा, चार ऊपर हैं चार नीचे, तो ये चार क्यूब होंगे, एक एक क्यूब यहाँ आ जाएगा, एक क्यूब इस जगह पर आ जाएगा, और एक क्यूब इस जगह पर आ जाएगा, और एक क्यूब इस जगह पर आ जाएगा, तो ये 1/4 पोर्शन है, तो इस पूरे बड़े क्यूब के स्पेस से एरिया फ्लक्स पास हो रहा है इतना, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ ए साइड, जिसकी ए साइड है उसके क्यूब से कितना, तो ये 1/4 हो गया इसका क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, इसलिए ये हो गया क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, फिर भी वही आया दिख रहा है, इस फेस से आ गया। लेकिन अब इस फेस से आया, फिर वही कंसेप्ट दोबारा से लगाना पड़ेगा, इस फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। देखो ये अब चार्ज इस पूरे क्यूब के सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, छोटे क्यूब के लिए, बड़े क्यूब के लिए सिमेट्रिकली प्लेस था, लेकिन छोटे क्यूब के लिए सिमेट्रिकली प्लेस नहीं है, इसीलिए इससे कितना और इस वाले फेस से भी कितना, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, और इसके इस ऊपर वाले फेस से भी कितना, इस वाले ऊपर वाले फेस से क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इस वाले फेस से, इस वाले फेस से और इस वाले फेस से जीरो होगा, क्यों, क्योंकि तो फिर वही कंसेप्ट है, इस वाले फेस के टू वन और थ्री इस फेस से ये चार्ज मीट कर रहा है, और इसके प्लेन के पैरेलल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा इन फेस से, सेम कंसेप्ट, इससे सेम होगा, इससे भी आप करते तो इसके लिए भी अगर करेंगे तो देखो इस वाले फेस को ऐसे उल्टा कर लो, इस फेस से उल्टा कर लोगे तो ये भी 1/4 हो गया, देखो इससे पास होगा पूरे बड़े क्यूब से 1/6 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका ये 1/4 हो गया, ऐसे ही ऐसे सीधा कर लोगे तो इससे भी ये 1/4 हो जाएगा, ये ऊपर वाले का इस वाले का 1/4 हो गया, इस वाले का 1/4 हो गया, लेकिन देखो ये 1/4 नहीं है, आप देखो ये बीच में आ गया बेटा, ये वाला बीच में आ गया, ये वाला बीच में आ जाएगा, उसका पीछे वाला बीच में आ जाएगा, समझ में आया था आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा ये, ऐसे ठीक है, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।